भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया तो उनके मामा और मथुरा के राजा कंस की जेल में बंद उनके माता पिता देवकी वसुदेव की बेड़ियां टूट गई थीं। हिंदू मान्यताएं और पौराणिक ग्रंथ तो यही कहते हैं, लेकिन आजकल उनके जन्म स्थान पर बने मंदिर पर विवाद की बेड़ियां पड़ी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मामले पर विवाद अभी हाल के वर्षों में शुरू हुआ है तो आपको बताएं कि ये विवाद हजार साल से भी ज्यादा पुराना है। कैसे, ये बताने के साथ ही जान लेते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का इतिहास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने उनकी याद में केशव देव मंदिर की स्थापना की। प्राचीन ब्राह्मी लिपि के एक शिलालेख से पता चलता है कि वसु नाम के व्यक्ति ने 80 से 57 ईसा पूर्व इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। चौथी पांचवी शताब्दी में गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने वहीं भव्य मंदिर बनवाया, जिसका वर्णन चीनी यात्रियों फाहयान और भिनसांग ने भी किया। यहां से कहानी मोड़ लेती है और हजार साल पुराने विवाद से जाकर जुड़ती है। भारत पर आक्रमण करने वाले कई लुटेरों में से एक था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, देश के बड़े और संपन्न मंदिरों को तोड़ा और लूटा। उसी महमूद गजनवी ने 1017-18 ईस्वी में कृष्ण मंदिर सहित मथुरा के सारे मंदिर तोड़वा दिए। गजनवी के मीर मुंशी अल उत्वी ने अपनी किताब तारीखे यामिनी में लिखा है कि गजनवी के मुताबिक इस मंदिर का बखान शब्दों या चित्रों से करना नामुमकिन है और वैसा भव्य मंदिर बनाने में 10 करोड़ दीनार खर्च होंगे और 200 साल लगेंगे। 1150 ईस्वी में जज नाम के एक व्यक्ति ने पहले से भी ज्यादा विशाल मंदिर बनवाया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने उस विशाल मंदिर को नष्ट करवा दिया। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने खंडहर पड़े श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री टेबर्नियर ने उस मंदिर की भव्यता का जिक्र किया है। इटली के यात्री मनुची के मुताबिक दीपावली की रात केशवदेव मंदिर के ऊंचे शिखर पर जले दीपक 18 कोस दूर आगरा में भी देखे गए। 1669-70 ईस्वी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद मथुरा का केशवदेव मंदिर तोड़वाया। औरंगजेब ने उस भव्य मंदिर की भवन सामग्री से श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बड़ी ईदगाह मस्जिद बनवा दी। हिंदू संगठनों के मुताबिक जन्मभूमि की जमीन पर ईदगाह मस्जिद का होना ही आजकल के बढ़ते विवाद का कारण है। 1815 में ब्रिटिश शासनकाल में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने ईदगाह के पीछे की जमीन खरीद ली। 1940 में मदन मोहन मालवीय और 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए तो कटरा केशव देव को देख कर निराश हुए। मदन मोहन मालवीय के कहने पर जेके बिड़ला ने यह जगह 7 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जेके बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1953 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया। गर्भगृह, भव्य भागवत भवन, औषधालय और विश्राम गृह का निर्माण कार्य 1982 में पूरा हुआ। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा की अदालत में विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में होने वाली नमाज पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वर्ष 1920 में चले एक मुकदमे का हवाला भी दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने ईदगाह की जमीन को हिंदुओं का बताया था। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।